लाइव कोलकाता के अपडेटेड न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। पश्चिम बंगाल विधानसभा विरोधी दल नेता अब्दुल मन्नान ने भाजपा के राज्य सभापति दिलीप घोष पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि भाजपा टीएमसी को टीम बी की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। साथ ही अब्दुल ने कहा कि शायद इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, वो आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर हैं। दिलीप घोष महाशय इतनी व्यक्ति हिसाब से गुरुत्व कतटुक जानी ना, किंतु एक सर्वभारतीय राजनीतिक दल जरा क्षमत आदेश राज्य कमिटी सभापति हिसाब से बक्तव्य गुरुत्व जथेष आर बक्तव्य मध्य दिए इटा स्थापित करल और एक बार एस्टाब्लिश करल जे एबारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते ना। नरेंद्र मोदी जे आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर तार बक्तव्यर मध्य से प्रकाश पे गल। এর আগেও নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন যে চন্দ্রবাবু নাইডু আসুক কি মমতা ব্যানার্জি আসুক কি অন্য কেউ আসুক আমরা মেনে নেব, মায়াবতীকেও মেনে নেব, কিন্তু কংগ্রেসকে তিনি মানবেন না। তো আজকে দিলীপবাবু সেই কথারই প্রতিধ্বনি করে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রীর নাম বলে দিলেন বাংলার একজন নেত্রীর। তো এতে বোঝা যাচ্ছে বিজেপির বি টিম কে এবং বাংলার শাসক দলকে তৃণমূল কংগ্রেসকে বিজেপি তাদের বি টিম হিসাবে যে ধরেন সেটি তার বক্তব্যের মধ্যে প্রকাশিত হয়ে গেল। মানুষ এবার যা বোঝার বুঝে নিন।